हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसके एजुकेशंस। तो आज हम क्लास थर्ड की मैथ्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब क्योंकि जो क्लास सेकंड है, क्लास थर्ड है, इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक होते हैं, इसलिए हम इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एडिशन। अब हम ये बात जानते हैं कि हमारे अंदर जो चैप्टर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक्स में, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको स्टोरीज़ की तरह समझाया हुआ है, और उसके अंदर जो हमारे चैप्टर्स हैं उसके अंदर जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स हैं। तो इसके लिए इसमें कोई हायर कॉन्सेप्ट हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं उनमें आपके लिए जो हेल्पफुल रहने वाले हैं जो चीज़ें वही उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारे लिए यूज़फुल है वो है एडिशन, जो कि हमारे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के अंदर यूज़फुल है। तो अब देखते हैं एडिशन। एडिशन हम जानते हैं, जब कोई चीज़ें होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, जोड़ते हैं। जैसे कि मान लो 3 है एंड 4 है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 7, है ना। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल होता है ये, अपन सभी जानते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में ये चीज़ पढ़ी है। ओके, चलिए तो फिर हम थोड़े बहुत इसके बारे में क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बट उससे पहले ये जो यहाँ ये सिंबल बनाया मैंने, ये वाला, ये सिंबल एडिशन के लिए होता है। तो देखो, एडिशन हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले लेते हैं और फिर हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस लिख लिए हैं और हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर है 121 में आपको ऐड करना है 320। तो देखते हैं, 121 में 320 जोड़ना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले इस वाली डिजिट को देखेंगे जो यूनिट प्लेस पर है, ये 1 है, ये 0 है, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1, है ना। अब 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4, और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4, है ना। अगला क्वेश्चन, ये दोनों ही 0 है तो यहाँ पे भी 0 आएगा। ये है 7 और ये है 4, 7 और 4 कितना होता है 7, देन 8, 9, 10, 11। 11 है तो यहाँ 11 तो अपन लिख नहीं सकते, 1 लिखते हैं, 1 को यहाँ कैरी लगाते हैं। ओके, अब 9 और 1 10, 10 और 1 11, तो यहाँ 11 लिखेंगे, है ना। अगला हमारा है 560, ये 5 है, 560 और 120, 0 और 0 है तो इसको ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 6 और 2 8, 5 और 1 6, अब यहाँ 7 है, ये 8 है और ये 9 है, इसको ऐड करेंगे कितना होगा 17 का 7, 1 कैरी, 1 कैरी लगाया है यहाँ पे। 9 और 1 10, 10 और 4 14, ओके। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। जब नंबर 2 जब टेंथ तक में अगर कोई नंबर आ जाए ऐड करने के बाद, तो उसमें से एक को जो टेंथ प्लेस पे है उसको कैरी कर दिया जाता है। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, इससे आप आगे एडिशन कर सकते हो ऐसे काफ़ी सारे, ठीक है। जो हमारी सेकंड इसके बाद में लॉजिक है वो है सब्सट्रैक्शन। इसका सिंबल होता है माइनस, ये ऐसा वाला, है ना। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिख लिए हैं, अब इनको अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा, 6 में से 3 गया तो 3 आएगा, और 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, है ना, आ गया, सही है। अगला देखते हैं, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 9 में से 7 गया तो देखो कितना बचता है, 9 हो गया अपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। 9 में से 2 हटा दो, 1 एंड 2 ये हटा दिए तो यहाँ आ गया। अब ये कितना है, 1
1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 9 में से 2 हटा देंगे तो 7 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। अब 4 में से 2 गया तो 2। अब देखो आप इसको चेक कैसे कर सकते हो कि अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये आता है, इसका मतलब अगर इसमें ये आप जोड़ दोगे तो ये आना चाहिए, है ना। तो आप इनको इसको और इसको ऐड करके देखोगे तो ये आना चाहिए, अगर ये आ जाता है तो आपका सब्ट्रैक्शन सही है। देख लेते हैं, 0 और 0 0 7 और 2 9 2 और 2 4, यानी कि सही है। अगला देखते हैं, 462 में से हमें 370 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 2 में से 0 गया तो 2 बचे, अब यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। अपने जब नीचे वाला ये नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करना, अगर वो छोटा होता है तो हम जानते हैं, देखो यहाँ जैसे 9 में से 7 छोटा था ना, तो इजीली हो गया ना। लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, इस केस में क्या किया जाता है कि इसमें से एक ले लिया जाता है, इसको तो हम यहाँ 3 बना देंगे और ये 6 है, ये 6 की जगह बन जाएगा 16। अब ये जो 16 है इसमें से 7 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, 7 देन 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 9 बच रहा है। अब ये 3 में से 3 गए तो 0 है ना। देख लो 0 प्लस 2 2 हो गया, 9 और 7 कितना होता है 9, 10 और 6 16 का 6, 1 कैरी आ जाएगा, 3 और 1 4, 462 बन रहा है ना। ऐसे आप इसको चेक भी कर सकते हो। ओके, तो अब मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये जो बेसिक सी चीज़ें थी एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल आ रही है हमारे चैप्टर्स के अंदर। तो देखो ये कहाँ इस्तेमाल आ रही है हमारे, ये जो हमारे चैप्टर है उसमें यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पैटर्न से रिलेटेड। देखो पैटर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें हमारे चैप्टर में दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलो देखते हैं पैटर्न होता क्या है। जब मान लो आपको कोई भी नंबर्स दिए हुए होते हैं तो वो नंबर्स अगर कोई एक फिक्स रूल को फॉलो करके आगे लिखे जा रहे हैं तो वो पैटर्न बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 4 6 8 10, ठीक है, ये नंबर मैंने लिखे, इनमें देखो कोई डिफरेंस आपको पता चल रहा है क्या, कोई पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे? 2 और 4 है, यानी कि देखो इसमें 2 में अगर 2 को और ऐड कर दें तो 4 बनता है, 4 में 2 और ऐड करोगे तो 6 बन जाएगा, 6 में 2 और ऐड करोगे तो 8 बन जाएगा, 8 में 2 और ऐड करोगे तो 10 बन जाएगा, है ना। यानी कि ये इनमें 2 ऐड करने पे ये नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि ये कोई फिक्स एक चीज़ एक रूल को फॉलो कर रहा है ना कि हर एक नंबर में प्लस 2 ऐड करना है, प्लस 2 करना है ना, तो इसलिए ये एक पैटर्न है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न्स दिए हुए हैं और आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिए हुए हैं आपकी बुक में कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया, मान लो जैसे यही एग्जांपल है हमारा 2 4 6 8, ये दे देंगे और उसके यहाँ ब्लैंक्स दे दिए आपको, एंड उसके बाद में बोला है कि आगे के 2 लिखो या फिर 4 आगे और है जो लिखो, तो आप कैसे लिख सकते हो। ये देखो यहाँ जैसे पैटर्न दिया हुआ है ना, तो यहाँ हमें पता चल गया प्लस 2 किया है, इसमें भी प्लस 2 कर दिया, इसमें भी प्लस 2 करा है, तो अगले वाले में भी तो प्लस 2 होगा ना, प्लस 2 करने पे 10, इसमें भी और 2 प्लस कर देंगे तो 12, देन 14, 16, ऐसे आप लिख सकते हो, है ना। तो इसके लिए आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना आना चाहिए, क्योंकि जो आपको पहले के रूल्स दिए हुए होंगे उनमें आपको उन्हीं में कोई ना कोई ऑपरेशन लगा के और उसके बाद में आपको पता करना होगा। ऑपरेशन यानी कि मैथ में ऑपरेशन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आपको करके देखना है कि कुछ कोई कॉम्बिनेशन आ रहा है क्या, और ज़्यादातर आपके प्लस माइनस के ही हैं। ओके, चलिए फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं जो कुछ एग्जांपल्स हैं उन तरीके के क्वेश्चंस के जो आपके वहाँ पे एक्सरसाइज में अवेलेबल हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 490 लिखा हुआ है, देन 429 है, देन 439, देन 449, और आगे हमें 1, 2, 3 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, राइट। तो देखो 419 लिखा है, यहाँ 429, इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का है। यहाँ से यहाँ पे जाने में हम कितना कर रहे हैं, +10 कर रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ देखो 419 लिखा है, इसमें अगर हम 10 प्लस करते हैं तो ही तो 429 बनता है ना, इसलिए यहाँ +10 हो रहा है। 29 से 39 बन रहा है, यहाँ पे भी +10 हो रहा है। 39 से 49 बन रहा है, यहाँ भी +10 हो रहा है, तो आगे भी +10 ही होना चाहिए ना। तो इसीलिए 449 फिर +10 करते हैं तो 459, देन 469, देन 479। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 276 दिया हुआ है, 266 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे -10 किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, देखो 266 छोटा है ना, देखो ये सबसे बड़ा है, देन इसके बाद ये छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है ना, तो मतलब यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस नहीं हो रहा है। प्लस में तो देखो वैल्यू बढ़ रही है ना, तो इससे पता चलता है कि प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ तो वैल्यू कम हो रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे माइनस किया जा रहा है। अब देखो माइनस किया जा रहा है तो क्वेश्चन बनता है कि कितना माइनस किया जा रहा है। इसको पता कैसे किया जाता है कि जैसे मैंने मान लो यहाँ पे 276 था, इसमें से माइनस कर दिया 266, कितना हुआ 0, 7 में से 6 गए तो 1, 2 में से 2 गए तो 0, यानी कि 10 का डिफरेंस है इसमें और इसमें, 10 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये नंबर छोटा है, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, यानी कि इस नंबर में से 10 माइनस करने पे ये आया है ना। और अगर मान लो ये इस तरीके से लिखा हुआ होता 266, 276, तो इसका क्या मतलब था कि +10 किया गया है। क्यों, क्योंकि नंबर, जब कोई नंबर में कुछ ऐड किया जाता है, कुछ प्लस करते हैं तो नंबर बढ़ जाता है ना, इसलिए। लेकिन यहाँ तो नंबर घट रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया गया है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी यहाँ जाने में -10 हुआ है, इधर भी -10 हुआ है, इधर भी -10 ही होगा, है ना। तो करते हैं 236, 226, 216, ओके, इजी है ना ये। चलो अब अगला देखते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार खुद ट्राई करके देखो, पॉज करके, और फिर आप एक बार इसको खुद से ट्राई करो, क्यों हमने ऊपर जैसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है ना, कुछ उसी तरीके से है ये भी, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस बढ़ जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपने कर लिया होगा आप ट्राई, एक बार मैं आपको करके बताती हूँ। देखो ये नंबर बड़ा है, 632 था, फिर ये इससे कम हो गया, ये कम हो गया, ये भी कम हो गया, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो माइनस किया जा रहा है। कितना माइनस किया जा रहा है, जैसे हमने इसमें पता किया था ना इसे माइनस करके, वैसे इसमें भी पता करना है। देखो करते हैं 632 में से माइनस कर रहे हैं 572, 2 में से 2 गया 0, 3 है ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13, 13 में से 7 गए तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 60, देखो 60 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इधर से इधर जाने के लिए -60 करना होगा। यहाँ वापस से -60 किया है, यहाँ फिर से -60 किया है, तो यहाँ भी -60 होगा ना। तो देखो 52 में से 60 माइनस कर दिया है, तो कितना बचना चाहिए, चलो देखते हैं। 452 -60, 2 तो रहेगा, ये 15 हो जाएगा, और ये कितना होगा 3, तो ये कितना हो गया 392,
ओके 392 हो गया। इसके बाद देखो 392 के बाद में फिर से माइनस 60 करेंगे तो कितना हो गया, देखो 392 है माइनस 60 किया तो कितना हुआ 332। क्या लिखेंगे यहाँ 332। अब ये जो 332 आया था इसमें से भी 60 हटाएंगे, यहाँ तो 2 आ गया, 3 का हो गया 13 और ये 3 का हो गया 2। अब 6 गया, 13 में से 6 गया तो कितने बचते हैं, देखो 6 देन 7 8 9 10 11 12 13 कितने बचे 7 और ये क्या हुआ 2 272 है ना। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो दो तरीके के ऑपरेशंस आने चाहिए उसका भी मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया है। ओके तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनको सॉल्व करना है। तो आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए इतना ही है, आगे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।